आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। टीवी में मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और हिंसा मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि डीवीआर से दस्तावेज बिटाने और छेड़खानी करने की भी कोशिश की गई है। पत्थरबाजों को पुलिस ने चिन्हित किया है और आज पोस्टर भी जारी किए जाएंगे और मुख्य आरोपी हयात हाशमी के पास से अहम दस्तावेज मिले हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम खंगाले पर साजिश के भी साक्ष्य मिले हैं। मामले में अब तक 29 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है और इन 29 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दो चीजों के लिए टीम गठित की गई है। हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था उससे 6 मोबाइल बरामद किए थे और उन मोबाइलों के अंदर क्या क्या सूचनाएं हैं, व्हाट्सएप पर किससे बात करी, इंस्टाग्राम पर किससे बात करी, उन सारी सूचनाओं को जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। साथ ही दूसरी टीम गठित की गई है जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए। एक तीसरी टीम गठित की गई है जो हमारे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो फुटेज है, उसको एनालिसिस करके लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सारी टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं, बाकी कुछ दूसरी टीमें हैं जो शांति व्यवस्था कायम करे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बीते जुम्मे की नमाज में जो कानपुर में हिंसा हुई थी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? जी बात है, आपको जो कानपुर हिंसा का अपडेट ये है कि जो जफर जो है उसको अभी कुछ ही मतलब 15-20 मिनट के अंदर कानपुर कोर्ट में जो है पेश किया जा रहा है। तो और जो कानपुर पुलिस जो है उसको जो है सबूत के जब मौके से उसको लखनऊ में पकड़ा गया था, एटीएस ने पकड़ा था, तो जफर के पास 6 फोन मोबाइल बरामद हुए थे और जो फोन थे उसमें जो बहुत हाई लेवल कॉन्टेक्ट हैं और कई मैसेज ऐसे भी थे जो पुलिस छेड़खानी को लेकर के साक्ष मिटाने को लेकर लगी थी। पर कानपुर कमिश्नर विजय सिंह मीणा का कहना है कि अगर ऐसा कोई पुलिस करती है या अधिकारी करते हैं तो उसकी समीक्षा की जाएगी। उपेंद्र, अगर खबरों की माने तो आज ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि इस कांड का जो मुख्य आरोपी है उसे आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाना था, तो अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेशन है आपके पास? जी, मैं कानपुर कोर्ट जो न्यायालय बना हुआ है वो आज संडे को लेकर बंद था न्यायालय और जो सिविल स्पेशल कोर्ट बना बैठा ली गई थी उसको लेकर के जफर को जो है अभी बस कुछ ही क्षणों में जो है जफर को जो है यहाँ पे न्यायालय में जो पेश किया जाएगा। उपेंद्र, इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो खबर कानपुर से आपको बता रहे थे जहाँ बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर पुलिस को हयात के पास से कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। शाहजहांपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ककरा समेत नगर के 5 स्थानों पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने वृक्षारोपण किया है। इस दौरान उन्होंने वातावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से आमजन से भी एक पौधा लगाने की अपील की है। वही इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम की तरफ से महानगर के 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर वृक्षारोपण कैबिनेट मंत्री द्वारा किया गया, जिसमें ककरा में नगर निगम के नवनिर्मित गेस्ट हाउस, संत गार्ड के पार्क, सरदार पटेल पार्क, अटल बिहारी पार्क और वाल्मीकि वाटिका शामिल है। इसके अलावा नगर निगम की दीवारों पर भी 4,000 के करीब पौधे रोपे गए हैं। तो इसकी तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं किस तरह नगर निगम की दीवारों पर पौधे रोपे गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इस दौरान वृक्षारोपण करते हुए आम जनमानस से भी पेड़ लगाने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे आज हम लोगों ने शहर के 4-5 स्थानों पे वृक्षारोपण किया है, जिसमें कि हमारे माननीय मंत्री वित्त संस्कृति का यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के साथ साथ ये जो शहर के विभिन्न जगह जहाँ पर कि हमें नीचे पेड़ लगाने की जहाँ जगह नहीं है वहाँ पर एक अच्छा पर्यावरण देने के लिए हम लोग। श्रावस्ती में अवैध डग्गामार बसों पर एक्शन लेते हुए इकोना के पास बस पहुंचते ही पुलिस ने 2 बसों को कब्जे में लेकर उन्हें सीज कर दिया, जिससे बस मालिकों में हड़कंप मच गया। ये प्राइवेट बसें श्रावस्ती समेत आसपास के अन्य जनपदों से बाहरी राज्यों तक सवारियां लेकर आती जाती रहती हैं, लेकिन परिवहन विभाग इन बसों पर कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन श्रावस्ती पुलिस की नजरें जब इन बसों पर गई तो बसों को सीज करने की तत्काल रूप से कार्रवाई की गई।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील दिवस में डीएम और एसपी ने कई मामलों का निस्तारण किया। आपको बता दें कि तहसील दिवस में कई फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे, जिनमें 140 मामले आए और 140 मामलों में से 7 मामलों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया, लेकिन वहीं 133 मामलों का निपटारा करने के लिए 14 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को समय दिया गया है, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि उन सभी मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 140 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 7 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर मामले आए हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित है, कुछ समस्याएं सप्लाई को लेकर भी था और कुछ समस्या जो हमारे थानों को लेकर थी, लेकिन मैक्सिमम 90% मामले जो है राजस्व से संबंधित है। तो हम सभी लेखपालों को और तहसील प्रशासन को ये निर्देशित कर रहे हैं कि जितने आवेदन प्राप्त हुए उसको अगले 14 दिन में सभी का निस्तारण कराएं और इसका प्रॉपर निस्तारण करा के लखीमपुर खीरी के जिला कारागार में 3 जून को देर रात कैदी धर्मेंद्र की हत्या हो गई थी, जिसके परिजन आज लखीमपुर पहुंचे और एसपी कार्यालय का घेराव करने के बाद मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में जमकर हंगामा किया। वहीं इस दौरान मृतक के परिजनों ने कहा कि पुलिस धर्मेंद्र को 30 मई को गौकशी के मामले में मुर्तिहा से गोला कोतवाली ले गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने बताया कि गोला थाना प्रभारी विवेक उपाध्याय ने धर्मेंद्र को छोड़ने के बदले पैसे की मांग भी की थी। धर्मेंद्र कुमार की। कौन थे आपके? ये हमारे मंझले भाई थे। मंझले भाई थे, कहाँ के निवासी हो आप लोग? मुर्तिहा के। मुर्तिहा थाना गोला। गोला, कहाँ मौत हुई है इनकी? इनकी यहाँ पिटाई तो वहाँ गोला में थे। गोला थाने में? जी सर, यहाँ पे मौत हुई है, अस्पताल में बोल रहे थे। नहीं नहीं, ये थे कहाँ? अभी कहाँ थे, कहाँ मौत हुई है इनकी? मौत तो यहाँ हुई है, जेल में। जेल में हुई है सर। अच्छा, जो कल शाम रात में हुई जी है सर, मेरे पास फोन गया था 11:30 के सामने। अच्छा, ये बताइए कि क्या आरोप है? आप लोगों ने घेराव भी किया एसपी बंगले का, एसपी आवास का, उसके बाद आप मोर्चरी में भी घेराव कर रहे हैं, अधिकारी मौजूद। न्याय चाहिए बस और कुछ नहीं। कब ये इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था, कब गिरफ्तार किया गया था? घर लेटे रहे। हाँ, तो पुलिस वाले पहुँच गए थे, तीन झापन मारे। कब की बात है ये? 30 तारीख को। कौन 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 पकड़ लिया गया था? गोला थाना पुलिस पकड़ ले गया था। अच्छा, गोला थाने वाले। ठीक हाँ, है ठीक है तो फिर मारे नितिन यहाँ पर हम कर मार चुका है। हम छोटे वाले थे, रात में गया रहा हूँ 6 बजे के टाइम, तो हम आ गया ना, क्या बाबू जी हमारे हाथ में छोड़ दे, वो रात में कुछ नहीं करते। हाँ हाँ, तो कहीं रुपया 40,000 लाए हो। हाँ, अब क्या नाम, गरीब आदमी बाबू जी, 40,000 रुपया कहाँ? 40,000 रुपये किसने मांगे थे आपसे? क्या नाम है इनका, गोला थाना प्रभारी का? विवेक। विवेक उपाध्याय ने मांगे थे? अच्छा, फिर खबर बदायूं के थाना बिसौली कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक गांव में शौच करने गई नाबालिग के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती के शोर मचाने पर पीड़िता का भाई मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वही पीड़ित परिजन जब थाने जा रहे थे, तभी लड़के के भाई को आरोपियों ने बंधक भी बना लिया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल के साथ ही आरोपियों के चंगुल से छूटकर लड़के के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बदायूं से हमारे संवाददाता राजन पाठक जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ है ये पूरा मामला? मैम, पूरा मामला ये है, बदायूं थाना कोतवाली बिसौली के जनपद में एक किशोरी शौचालय करने गई, जिसको गांव के युवक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। अभी तक इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है राजन? मैम, एक्शन किया इसमें तहरीर के आधार पर क्राइम नंबर 218 के तहत मुकदमा लिख दिया है 5 लोगों पर, और पुलिस आरोपी की जांच में जुटी हुई है। तो अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया है? जी मैम, पुलिस से आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। धन्यवाद राजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बदायूं में एक बार फिर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, वही पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
लखनऊ में शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रिपल एक्सीडेंट से राहगीरों में दहशत का माहौल है। डंपर ने खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक ने आगे खड़े दूसरे टक्कर को भी जोरदार टक्कर मारी। जोरदार टक्कर से डंपर में आग लग गई। वहीं डंपर के ड्राइवर और क्लीनर की झुलस कर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल और दमकल की गाड़ी पहुंच गई और उन्होंने आग बुझाने का भी प्रयास किया। आपको बता दें कि विभूतिगंज थाना क्षेत्र के समिट बिल्डिंग के सामने यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड के नहर पुल पर सड़क पर ही दो पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प भी हुई और दोनों पक्ष के पुरुष और महिलाओं ने जमकर लाठी डंडे बरसाए एक दूसरे पर, जबकि मारपीट का वीडियो राहगीरों ने बनाया और पुलिस को मामले की जानकारी भी दी है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत गांव खुर्रमपुर में एक ग्रामीण ने नेता पर आरोप लगाते हुए संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। वह पीड़ित युवक ने इस मामले की शिकायत एसडीएम कोल से भी की है, जिस पर तहसीलदार और लेखपाल ने जमीन का विवरण भी पेश किया था। लेकिन इन सबके बावजूद पीड़ित का इस मामले पर कहना है कि नेताओं के चेलों ने उनके पूरे खेत की जुताई करवा दी है। मेरी जमीन है, मैंने एक साल पहले अपनी वाइफ के नाम से खरीदी थी और उस पर गांव का ही व्यक्ति है, उसके पिताजी पूर्व प्रधान हैं और अमित कुमार नाम है उसका, पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रहा है वो युवा मोर्चा में, तो उसकी दबंगई के बल पर मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है, जिस पर कि मेरा ट्यूबवेल वगैरह सब लगा हुआ है और उसके बीती रात ताले वगैरह तोड़ दिए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।